कैश कांड में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी को दोबारा समन जारी किया है। 6, 7 और 8 फरवरी को इन तीनों विधायकों से ईडी के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी ईडी ने इन तीनों कांग्रेस विधायकों को समन जारी किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे। इन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा था। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को 6 फरवरी को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होना है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप को 7 फरवरी और कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पहली बार कांग्रेस से विधायक इरफान अंसारी को 13 जनवरी को समन जारी कर ईडी ऑफिस में पेश को कहा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे और 2 हफ्ते का समय मांगा था। विधायक राजेश कच्छप को 16 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन ये भी पेश नहीं हुए थे। इन्होंने भी समय की मांग की थी। विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी को 17 जनवरी को ईडी ऑफिस में पेश होना था, इसके लिए उन्हें समन जारी किया गया था, ये भी ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुए और समय की मांग की थी। इस कारण ईडी की ओर से इन्हें दोबारा समन जारी किया गया है। विधायक कैश कांड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के सिलसिले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनु सिंह से ईडी पूछताछ कर चुकी है। कोलकाता पुलिस ने तीनों विधायकों को 49 लाख रुपए के साथ 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। कोलकाता कोर्ट ने तीनों विधायकों को जमानत पर रिहा करने के बाद कोलकाता निगम क्षेत्र में ही रहने की शर्त लगा दी थी। इसकी वजह से तीनों विधायक जमानत मिलने के बाद भी कई दिनों तक कोलकाता में ही रहे। इसके बाद अदालत ने उन्हें झारखंड जाने की अनुमति दी थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।